फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या देखा था बच्चे हमने कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हम क्या करते बाहर की कंट्री से लेते, ठीक है, फॉरेन कंट्री हमको देती है उसको हम क्या कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये किसी भी टाइप में, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, LLP, किसी में भी ये इन्वेस्टमेंट उठाया जा सकता है, ठीक है। अब पहले हमने देखा था व्हाट इज FDI, व्हाट इज FDI, FDI इज इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस इन वन कंट्री बाय द एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। तो इंडियन कंट्री का कंट्रोल हम किसको देते, फॉरेन कंट्री को, ठीक है। एलिजिबल इन्वेस्टर्स नाम याद रखो सबसे पहले, कौन कौन, नॉन रेसिडेंट एंटिटी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है, NRI इन नेपाल भूटान कर सकता, विद फ्यू कंडीशन, हम वो देखते हैं। फिर कंपनी ट्रस्ट पार्टनरशिप कर सकते, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कर सकते, उसके बाद फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, उसके बाद नॉन रेसिडेंट इंडियन भी कर सकता है। इन्वेस्टर कौन कौन है बच्चे, नॉन रेसिडेंट एंटिटी, NRI नेपाल भूटान, कंपनी ट्रस्ट पार्टनरशिप, FII, FPI और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर और नॉन रेसिडेंट, ये नाम याद हो गए। अब कंडीशंस देख लेते हैं। हाँ भैया, अगर ये कर सकता है रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन अगर बांग्लादेश या कहीं और है तो फिर गवर्नमेंट रूट के परमिशन के थ्रू ही उसको आना है। नेपाल भूटान वाले को हमने बोल दिया ठीक है, रिपैट्रिएशन बेसिस पे कर सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, एक तो उसको फ्री फॉरेन एक्सचेंज नॉर्मल बैंकिंग चैलेंज से ही इन्वेस्टमेंट करना है। कंपनी ट्रस्ट और पार्टनरशिप में हमने बोल दिया कुछ भी नहीं, डायरेक्टली पैसा उठा सकते हैं। FII में हमने बोला है कि अगर आप FII वाले इंडिविजुअल हो तो आप 10% कर सकते हो, और एग्रीगेट लिमिट ऑफ FII और FPI कितना होना चाहिए, 24%, ठीक है। फॉरेन वेंचर कैपिटल 100% का इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में करते हैं, और नॉन रेसिडेंट एंटिटी भी कर सकता है। क्यों हंसी आ रही तुम लोगों को, तुम दोनों को पीछे देख देख के, चलो एलिजिबल इन्वेस्टी एंटिटीज कैन इशू कैपिटल FDI। कौन कौन इन्वेस्टी हो सकता है, किस में पैसा हम ले सकते हैं, इंडियन कंपनी में ले सकते, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटर फर्म में ले सकते, और ट्रस्ट में ले सकते, LLP में ले सकते, FDI इन्वेस्टमेंट व्हीकल स्टार्टअप्स में ले सकते हैं, ठीक है। अब एक एक के साथ कंडीशन है। सबसे पहले इंडियन कंपनी तो ठीक है फ्रीली ले सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म है और ये है तो इनके लिए क्या कंडीशन थी, NER और FCNR और NRA अकाउंट के ही थ्रू मेंटेन करे, उसी में पैसा ले पाएगी, ठीक है। रिपैट्रिएशन ऑप्शन मिलता है प्रायर ऑप्शन, प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट अदर देन NRI और PIO को करना है तो अप्रूवल ऑफ RBI। रिस्ट्रिक्शंस हैं, NRI और आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन प्रोप्राइटर कंसर्न, एग्रीकल्चर वाले कामों में उनको अलाउड नहीं है। ट्रस्ट वाला वेंचर कैपिटल कित अदर देन इज नॉट परमिटेड इन ट्रस्ट अदर देन वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू ही ले सकता है, ठीक है। स्टार्टअप्स में कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन एक ट्रांच में कितना पैसा लाना है, 25 लाख का, ठीक है। DPIP का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अप्रूवल रिक्वायर्ड रहेगी, अगर उससे ओवर एंड अबव जाना है तो। कंसिडरेशन रिसीव होगा नॉर्मल बैंकिंग चैनल से, NRI कर सकता है नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे, और स्टार्टअप कंपनीज फुली हमेशा रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी उनको कि इन्वेस्टमेंट हो। एंट्री रूट कौन से होते हैं बच्चे, दो एंट्री रूट, कौन कौन से, ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट सिखाए थे मैंने कौन कौन से, डेट और इक्विटी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे मैंने, ये रहे। डेट इंस्ट्रूमेंट कौन से हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ऑल ट्रांचेस सिक्योरिटी स्ट्रक्चर विच आर नॉट इक्विटी ट्रांच, मतलब दूसरी टाइप की सिक्योरिटीज, बोरोइंग बाय इंडियन इंडियन फर्म्स थ्रू लोन्स और डिपॉजिटरी रिसीट्स, और अंडरलाइंग सिक्योरिटीज क्या है, डेट सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, पब्लिक, प्राइवेट, इंडियन अनलिस्टेड, कैपिटल पार्टिसिपेशन इन LLP, ऑल इन इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉग्निशन इन FDI पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट इनटू यूनिट्स ऑफ AII, रीट, या फिर ये है ना तुम लोग को रीट और वो, कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट, फिर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड मोर देन 50%, और एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और डिपॉजिट रिसीट्स। प्रोहिबिटेड सेक्टर, किधर पे पैसा नहीं ला सकते, FDI कहाँ नहीं कर सकते, लॉटरी, गैम्बलिंग, चिटफंड, निधिवंद, रियल एस्टेट में नहीं कर सकते, सिगार, सिगरेट्स वगैरह, और ऑटोमेटिक एनर्जी।
अब हर चीज के लिए कंडीशन है विच इज नॉट इन योर हेड राइट नाउ, ठीक है, अभी याद नहीं होगी तो मैं अभी इतना बोलूंगी तो तुमको क्लिक नहीं होगा, तो मेरी एक बात समझो हमेशा, सिर्फ अभी ये सब मैं रिकॉल करा देती हूँ। एक ई कॉमर्स था, ठीक है, जिसके लिए कंडीशन क्या थी कि हमको दो टाइप के हमने ई कॉमर्स पढ़े थे, इन्वेंट्री बेस्ड और मार्केट बेस्ड, ठीक है, उसके लिए कंडीशन थी कि भाई 100% ले सकते, परमिशन कहाँ कहाँ लेनी है, तो इन्वेंट्री बेस में तो कोई आपको जरूरत नहीं पड़ती, मार्केट प्लेस जैसा क्रिएट कर रहे हैं तो फिर परमिशन है, ठीक है, उसके बाद फिर बी टू बी बेसिस में ही होना चाहिए, आपको वेयर हाउस भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे उनको, ओनरशिप कितनी दोगे, ये सारी कंडीशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिकली सारे पेमेंट्स होने चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग था, ठीक है, और ऐसा ही एक मल्टी ब्रांड, फिर था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, सारी कंडीशंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, फिर एफडीआई इन इंश्योरेंस, फिर इसकी कुछ कंडीशंस थी, फिर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एफडीआई जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स जो अभी हमने पढ़े, डिपॉजिटरी वारंट्स आईटीआई, फिर टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है एफसीसीबीज और एफसीसीबीज, एफसीसीबी क्या होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, लेकिन क्या करते हैं उसी को ही हमने इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एफसीईबी क्या होता है, एक्शनेबल बॉन्ड, दूसरी कंपनी के हम वो करते हैं। अब इसमें दो टॉपिक पढ़े थे, एक फंजेबिलिटी स्कीम्स और एक स्पॉन्सरशिप, हाँ स्पॉन्सर्ड एडीआर और एक फंजेबिलिटी स्कीम, टू वे फंजेबिलिटी पढ़ी थी, टू वे फंजेबिलिटी में क्या हो रहा था कि हमने डिपॉजिटरीज लेना था, कन्वर्ट करके क्या दे रहे थे हम इक्विटी शेयर्स में, और स्पॉन्सरशिप में क्या हो रहा था बाहर वाले लोग बेच दे रहे थे इंडिया में, फिर इधर पे कन्वर्ट करके पैसा कमा के हम बाहर रिपैट्रिएट करते वापस सिक्योरिटीज को, ठीक है। फिर इशू एंड ट्रांसफर, ठीक है, वो आप कर सकते हो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, हाँ ये जो है ना बच्चे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये दो तीन तरीके का है, एक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है, उसमें टीआरएस फॉर्म वगैरह आपको भरना पड़ेगा, एक प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई, अगर जहां जहां आपको कैपिटल इंस्ट्रूमेंट की बात आती है और वो ट्रांसफर करना है तो परमिशन के अंडर कवर होता है, फिर एनआरआई टू नॉन रेसिडेंट विदाउट अप्रूवल कर सकते हैं, और एक था विथ अप्रूवल, ठीक है, फ्रॉम रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट, उसके बाद फिर ईसीबी सम स्कीम, ये कन्वर्जन ऑफ ईसीबी जो अपन ने उसमें पढ़ा है सेम वही है, ठीक है, होली ओन सब्सिडियरी ऑफ अ नॉन रेसिडेंट एंटिटी आरबीआई को करना है, वैल्यूएशन देनी, सब में पढ़ा था वैल्यूएशन सर्टिफिकेट देना है, आरबीआई से परमिशन लेनी है, सेक्टोरियल कैप कवर होना चाहिए, और एफडीआई के यही एफडीआई पॉलिसी और प्राइसिंग गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। फिर आ जाता है इशू ऑफ शेयर्स, तो राइट इशू और बोनस इशू, तो हम बाहर वाले को कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, वही चीज़ एफडीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जहां वैल्यूएशन है वो जरूरत पड़ना, सेक्टोरियल कैप में कवर होता है तो वो करना पड़ेगा, और अगर बिलो द लिमिट है या अबव द लिमिट है तो उसमें अगर परमिशन रिक्वायर्ड है तो आपको लेनी पड़ेगी। मर्जर एक्विजिशन में भी सेम एफडीआई पॉलिसी, ईसॉप्स भी आप उनको दे सकते हो विथ फ्यू कंडीशंस, प्लेज कर सकते हो, प्लेज करने के लिए लोन अग्रीमेंट, आपका एलआरएन नंबर, सिक्योरिटी क्लॉज कवर होना चाहिए वो अग्रीमेंट में, ठीक है। रेमिटेंस एंड रिपैट्रिएशन, ये अभी हम उसमें भी पढ़ेंगे, फेमा में भी देखेंगे, ठीक है। एफसीजीपीआर वाला फॉर्म देखा था, एफसीजीपीआर में रिपोर्टिंग करनी होती है ये याद रखना, ठीक है, तो वो कंप्लायंसेस आपको करना है, टाइम लिमिट एक बार चेक कर लेना, और लास्ट में ऑफिसेज और वो पेनाल्टीज है, ठीक है, एक बार फेमा देखो। फेमा का ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे, प्रोवाइड फ्री अकाउंट ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू रीजनेबल, तो फ्री अकाउंट ट्रांजेक्शन आपको फ्रीली अकाउंट ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे, करंट अकाउंट वाले, कैपिटल अकाउंट वाले कर सकते हो, और रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, फिर ऑथराइज डीलर और मनी चेंजर और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, और प्रोवाइड एजुडिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। इसमें मैं टॉपिक पूछ जाती हूँ, आंसर दे जाना फटाफट। सेक्शन 3 बोलता है रेगुलेशन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो क्लियरली क्या बोल रहा है बच्चे कि हम प्रोहिबिट करते हैं एनी पर्सन अदर देन एडी के अलावा डीलिंग और ट्रांसफरिंग एनी काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी सिक्योरिटी, पेमेंट करनी हो फॉर ऑथराइज डीलर के अलावा इसके अंदर और कोई डील नहीं कर सकता हम, ना ही आपको कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने देंगे, ठीक है। दो टाइप के अकाउंट पढ़े थे अपन ने, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और व्हाट इज करंट अकाउंट अदर देन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट वो हम आगे देखेंगे। अब प्रोहिबिशन ऑन ड्रॉन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर सर्टेन ट्रांजेक्शन, बच्चे तीन चीजें, शेड्यूल वन रूल थ्री में पढ़ा था हमने, सबसे पहले शेड्यूल वन और ट्रैवल टू नेपाल भूटान नहीं कर सकते, ठीक है, और एक और चीज, और शेड्यूल वन में क्या क्या आता है वो बता दो, कहाँ पे हम पैसा नहीं लगा सकते फॉरेन करेंसी, किस लिए नहीं मांग सकते, कब, रेमिटेंस ऑफ,
लॉटरी विनिंग, रेमिटेंस ऑफ इनकम रेसिंग, ठीक है, रेमिटेंस ऑफ लॉटरी टिकट्स, फिर कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना हो जो होली ओन सब्सिडी है, या फिर ठीक है रुपी क्रेडिट रूट के थ्रू करना हो तो अलाउड नहीं, मतलब आपको इम्पोर्ट वाले को पैसा देना था, कमीशन देनी थी एक्सपोर्ट वाले को, पर 10% वाला हम अलाउ करते कब, इनवॉइस ऑफ टी एंड टबैको, फिर कॉल बैक सर्विसेज का रेमिटेंस हम नहीं देते, और इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स भी हम नहीं देते हैं हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट, यहाँ पे पैसा रखा है आपने और बोला उसका इंटरेस्ट दो तो वो हम नहीं देंगे। शेड्यूल टू में प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट लेना पड़ेगा। शेड्यूल थ्री में आते हैं कुछ ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड, मैक्सिमम लिमिट कितना पैसा हम ले सकते हैं फॉरन करेंसी, 2,50,000 US dollar, 2,50,000, ठीक है। इंडिविजुअल किस लिए पैसा लेगा जो 2,50,000 मिलेगा, प्राइवेट विजिट, डोनेशन, गोइंग अब्रॉड, इमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, ट्रैवल फॉर बिजनेस, एक्सपेंसेस, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडीज अब्रॉड और अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। फिर हमने पढ़ा था पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल कितना से ले सकता है, US dollar 50, लेकिन अदर देन पर्सन इंडिविजुअल को प्रायर अप्रूवल किसकी लेनी पड़ेगी, आरबीआई की, तो वो याद है डोनेशन लेना है कितना, 3 financial year का, ठीक है, और US dollar 5 lakh फॉर विच एवर इज लेस, फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर्स या एजुकेशनल के लिए देना है, ठीक है, या कॉन्ट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। फिर कमीशन देनी है एजेंट को कितना, ठीक है, उसके बाद परमिटेड एग्जिस्टिंग, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देना है तो 1 crore, ठीक है, और अगर अदर देन अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए तो US dollar 10 lakhs, तो आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसे ही सेम बिल गेट्स वाला एग्जांपल क्या बोल रहा है, इनकॉर्पोरेशन के हमको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वापस दो, तो 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट बॉट इन टू इंडिया और US dollar 1 lakh विच एवर इज हायर। फिर ऐसी एलआरएस स्कीम थी जिसमें वही प्राइवेट विजिट ये वो 111 एक्सप्लेन कर देना, जिसमें लिखा है US dollar 2,50,000 की लिमिट आपको फ्री है, आप पैसा उठा सकते हो। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड विच ऑल्टर्स द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटेंजेंट लाइबिलिटीज आउटसाइड इंडिया पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, एसेट्स और लाइबिलिटीज इन इंडिया पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड, दोनों के लिए पीआरआई और पीआरआई क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ऑल्टरेशन कर रहे हैं। अब अगर बच्चे तुमको याद हो तो आरबीआई प्रोहिबिट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है ट्रांसफर और इशू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, या फिर कोई बोरोइंग्स, या फिर कोई लेंडिंग, या फिर कोई डिपॉजिट, या फिर कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, गारंटी सिक्योरिटी में भी वो आपको अलाउ कर सकता है। इनहेरेंट पैसा है तो आपको उस करेंसी को अगर शिफ्ट कराना है या फिर यहाँ से प्रॉपर्टी ले जानी है तो आप बात करके आरबीआई से वो प्रॉपर्टी भी अपने पास रख सकते हो। दो क्लासेस देखे थे हमने, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड, कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं इनके, नहीं लिखे क्या बताओ, देखो फॉरेन सिक्योरिटी एक दूसरे को दे सकते, ठीक है, लोन दे सकते, ठीक है, और गारंटी दे सकते, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, लोन ड्राफ्ट, ओवर ड्राफ्ट, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी, टेक इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ किसके लिए है, पीआरआई, ठीक है, पीआरआई, लोन एंड ओवरड्राफ्ट बाय पर्सन रेसिडेंट इंडिया टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ एनी कैपिटल, और अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी सिर्फ पीआरआई में कि पीआरओआई में, दोनों में, हाँ ठीक, रियलाइजेशन, रिपैट्रिएशन और सरेंडर ऑफ फॉरेन करेंसी, तो हम कहते हैं अगर हमारा पैसा है तो प्लीज उसे इंडिया में वापस लेके आओ, अगर किसी काइंड का डिले हो गया है या आप सीज नहीं कर पाए हो तो हमारी हेल्प के थ्रू परमिशन ले लो आरबीआई की, किस तरीके से हम उस पैसे को बाहर से बुला सकते हैं। मुझे ये बताओ कितना पैसा हम रेमिट करके रख सकते हैं, वो इसमें नहीं है, अभी आगे आएगा, ठीक है, रेमिटेंस बाय इंडिविजुअल बीइंग नॉट बीइंग एनआरआई और पीआई, अगर आप फॉरेन नेशनल हो, आपके एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, या फिर आपके इनहेरेंट प्रॉपर्टी, आपके विडो विडो या उसके इनहेरेंटेड इंडियन के थे तो आप यहाँ से प्रॉपर्टी लेके जा सकते हो, हम आपको नहीं रोकेंगे, ठीक है, 1 million वाले। उसके बाद रेमिटेंस बाय कंपनी, आपको ऑडिटर सर्टिफिकेट चाहिए, वाइंडिंग अप हो रहा है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, वाइंडिंग अप के अलावा कोई और लीगल प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट नहीं है तो हम आप कंपनी को भी रेमिटेंस करने दे सकते हैं। ऐसी ब्रांच ऑफिस के लिए भी सेम चीज है कि हमको आपसे आरबीआई की परमिशन चाहिए, ऑडिटर सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज आपने डिस्पोज ऑफ कर दी उसका कंफर्मेशन चाहिए हमको, कोई इनकम अभी अक्रू नहीं है, सोर्सिंग आउटसाइड इंडिया आपकी कोई नहीं चल रही है, अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल कर दिए, आरबीआई की परमिशन
परमिशन ले रखी है तो भी हम आपको अलाउ कर देंगे, प्लस आपका कोई भी कोर्ट में पेंडिंग केस नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के आपने कंप्लायंसेस किए हुए हैं। आप आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अगर 10 लाख के ऊपर $ का रेमिटेंस आपको करना है तो आरबीआई की परमिशन ले लो, हम मना नहीं कर रहे, पर उससे ऊपर है तो हमसे परमिशन लेने आ जाओ। पोजेशन, पोजेशन में था कितना लिमिट तक रख सकते हैं, एडी तो कितने भी लिमिट तक का फॉरेन करेंसी लग सकता है, पर एक पर्सन रेसिडेंट इंडिया यू नॉट एक्सीडिंग $2,000 के कॉइन्स और नोट्स मिला के नहीं रख सकता। फिर है एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, तो एनआरआई को हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं और यहाँ पे परचेज करने का भी राइट दे सकते हैं, तो बाय वे ऑफ गिफ्ट या इनहेरिटेंस है या फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रह के अगर कोई प्रॉपर्टी कमा रहा है तो हम उसको अलाउ करेंगे। ये जरूर देख के जाना है, एक्सपोर्ट वाला नया है तुम लोगों के में, छोटा सा टॉपिक है पर देख के जरूर जाना। यस, आरबीआई इज ऑल्सो वॉज अ चैप्टर, पर तुमको सिर्फ टॉपिक है। आरबीआई कौन है, आरबीआई के फंक्शंस देखो, सबसे पहले टू रेगुलेट इशू ऑफ बैंक्स नोट्स, कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग स्टेबिलिटी और जनरली ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। क्या क्या हो गए बच्चे, पहला बैंक नोट्स, दूसरा मॉनेटरी स्टेबिलिटी रिजर्व्स मेंटेन करना, तीसरा करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करना, चौथा मॉनेटरी मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने कितना देखा था, कितने टाइम के लिए अपॉइंटेड रह सकते हैं, 4 साल, उसमें कौन कौन है, एक फुल टाइम गवर्नर, मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड के नीचे देखो क्या क्या आता है, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ, चीफ जनरल, जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सपोर्ट स्टाफ। ठीक है, मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजर, फाइनेंशियल सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, मैनर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इशू ऑफ करेंसी, डेवलपमेंट रोल भी उसका है, डेवलपमेंट रोल, रेगुलेटरी और ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बना के देता है और रिलेटेड फंक्शन, बैंकर इज बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर इज बैंकर टू एन इशू, सारी चीजें। ठीक है,